फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा बलून स्लीव्स का एक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये मेरा बहुत ही एक प्यारा सा सूट है, उसी के लिए मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ। सो आप भी अपनी किसी भी प्लेन और प्रिंटेड कुर्ती पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा लुक देता है ये। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मेरी एक बाजू का पार्ट है और ये ऊपर की साइड की तरफ दूसरी बाजू का पार्ट है। तो सबसे पहले जैसे सिंपली आप अपनी बाजू के लिए कपड़े को बिछाते हैं, वैसे ही आपको बिछा लेना है। नीचे की साइड पर देखेंगे आप, यहाँ पर कटदाने का काम है। इसको हमें ऐसे करके बीच में से फोल्ड करना है। तो ये जो हमारे कटदाने वाले पार्ट हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से मिले हुए होने चाहिए। लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 15 इंच, और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब ऊपर से करीब 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाइए, और यहां पर इंची टेप इस तरीके से रखना है आपको, और दूसरा निशान से इस तरीके से मिलाना है। यहां पर आपको अपनी आर्महोल के लिए नाप लगाना होता है। तो आर्महोल हमारा है यहाँ पर 8 इंच, तो हम 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहां से आपको ऐसे करके यहाँ पर देखिए गुलाई देनी है, और अपने इस वाले पार्ट तक मिलाना है इस तरीके से। और नीचे की साइड पर हम यहाँ पर देखिए करीब 5 इंच की हमारी गुलाई है, तो डिजाइन हमारा यहाँ पर सेंटर में बनेगा। उसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इधर वाली साइड पर भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे। और इसके साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मार्जिन का भी यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, एक बाजू के लिए हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है, अब इसी की हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसी बाजू को रखते हुए हम अपने दूसरे वाले बाजू का भी कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट्स की कटिंग देखिए हमने कर ली है। अब इन दोनों पार्ट्स को खोलेंगे, और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पर एक पार्ट पे तो हमारी ये पाइपिंग लगी हुई है, बट दूसरे साइड पे पाइपिंग नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे भी इस वाली साइड पे भी हम पाइपिंग लगाएंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को आपको ऐसे मिला के रख लेना है, और इसके एक हिस्से पर हमें देखिए इस तरीके से कट लगाना है। ये हमारा आर्महोल के आगे वाले हिस्से के साथ जुड़ेगा। तो ये हमारी दोनों बाजुओं की कटिंग हो गई। अब इसको हम इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे, और इसको सेंटर से भी हम कट कर देंगे। ऐसे आपको अपनी दोनों बाजुएं कट करनी है, पर ध्यान रखिए कि दोनों पार्ट्स आपके मिलने नहीं चाहिए, एक बाजू अलग और दूसरी वाली बाजू अलग रहनी चाहिए। बाजू की देखिए हमारी दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले इसके जो ये दोनों किनारे वाले पार्ट्स हैं, इनको देखिए इस तरीके से हम एक बार और दो बार फोल्ड करेंगे, और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड्स पर हमें फोल्ड करते हुए ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। मोड़ने से पहले हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग यहाँ पर मैंने बना ली है। पाइपिंग को देखिए, ये पाइपिंग का बैक वाला साइड है, ये राइट वाला साइड है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए सीधा वाला साइड आपको इस तरीके से रखना है, और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक पैर का ये बूट ले लिया है, इससे क्या होगा कि हमारी पाइपिंग बिल्कुल एक बराबर लगेगी। और ये जो मैंने पाइपिंग बनाई है, ये भी एक बूट से ही बनाई है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको आपको ऐसे करके देखें पलट देना है, तो ये जो हमारी पाइपिंग है ये सीधी साइड की तरफ कुछ ऐसे आ जाएगी, और ये जो बैक साइड वाला जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये पाइपिंग हमारी कुछ ऐसे लग जाएगी। एक पार्ट में तो हमारी पाइपिंग पहले से लगी हुई थी, बट दूसरे वाले पार्ट में पाइपिंग नहीं लगी थी, तो ये आपको ऐसे लगा लेना है, आ जाएगी। और ऐसे ही हमने अपनी दूसरी वाली साइड की तरफ भी ये पाइपिंग को लगा लिया है। अब हमें देखें, इस पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर एक बार और दो बार बहुत ही पतला फोल्ड करना है आपको। यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों साइड्स के हमने ये इस तरीके से मोड़ लिए हैं और बिल्कुल पतला आपको मोड़ना है इस तरीके से, क्योंकि हमने 1 इंच ही इसको एक्स्ट्रा रखा था, तो दोनों साइड की तरफ आधा आधा इंच चला गया है। अब आप कोई भी मैच करती हुई या फिर अलग कलर की लेस ले सकते हैं, और ये लेस ले ली है मैंने। अब इसके यहाँ पर बिल्कुल इसको देखें, नीचे वाली साइड की तरफ रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, तो इससे बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बनेगा बलून स्लीव्स में। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाते हुए दोनों साइड्स पर हम इसको अटैच कर देंगे। दोनों साइड्स की तरफ देखें, हमने ये लेस अटैच कर दी है और अभी से ही काफी ज्यादा सुंदर लग रही है हमारी बाजू। अब हमें अपने नीचे वाले साइड की तरफ भी लेस लगानी है, तो इधर आपको कैसे लेस लगानी होगी, ये देखें, इस तरीके से रखेंगे इसके नीचे, और ये जो पाइपिंग के अंदर वाली साइड की तरफ, मतलब इसको ज्यादा अंदर तक आपको दबाना है इस बार, और दोनों ही बाजुओं को इस तरीके से मिलाते हुए, मतलब यहाँ ये वाली जो हम लगाएंगे इसमें हमारी दोनों बाजू बिल्कुल साथ में अटैच हो जाएंगी, यहाँ से जुड़ जाएंगी हमारी बाजू, तो इस तरीके से ही आपको लेस लगानी है। लेस हमने अच्छे से लगा ली है और ये दोनों पार्ट्स हमारे जुड़ गए हैं। अब ऊपर वाली साइड की तरफ भी आपको दोनों पार्ट्स को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है, और यहाँ पर पहले तो सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर पक्का कर लेंगे, जिससे कि आर्म होल पर लगाते वक्त इसमें ज्यादा दिक्कत ना आए। तो ये जो हमारी बाजू है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और ये बीच में से इस तरीके से खुला रहेगा। अगर आपको पूरा इतना खुला नहीं पहनना है, तो आप कहीं कहीं पर इस तरीके से टाके लगा करके यही वाले स्टोन्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर टाके लगा के स्टोन लगाऊं, पहनने के बाद पता चलेगा कि ये मुझे कैसा लग रहा है। बट इस वाली बाजू का डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसे खुला पूरा जैस्मिन टाइप ऑफ स्लीव्स, और इसको बलून स्लीव्स भी कहते हैं। अब देखें, इतना सिलने के बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमारे अपनी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। नीचे से जो भी आपका मोहरी है उसका नाप लगा लें, और यहां से हम अपने आर्म होल का नाप लगाते हुए इसकी यहां से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों बाजुओं पर लेस लगाकर हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब इन दोनों को ही हम अपनी कमीज के साथ जोड़ देंगे, और ये हमने कुर्ती के साथ अपनी बाजुओं को, स्लीव्स को जोड़ दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर आप कंट्रास्ट में भी लेस लगा सकते हैं, अगर डिफरेंट लेस लगाएंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा उभर के आएगा। बट मेरे इस सूट में कोई भी दूसरे कलर का काम नहीं था, सिल्वर काम था, तो इसलिए मुझे ये मिंट ग्रीन कलर का ही लेस लगाना पड़ा, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर ऐसा डिज़ाइन कोई भी क्रिएट करता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर टैग कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स। तो यस गाइज, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।